फिर एक बार आप सबका स्वागत है। आज मन की बात की शुरुआत हम भारत की सफलता के जिक्र के साथ करेंगे। इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की हजार साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को ये प्रतिमा वापस मिल गई है। ऐसे ही कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के वेल्लूर से भगवान आंजनेयर हनुमान जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी। हनुमान जी की ये मूर्ति भी 600-700 साल पुरानी थी। इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हमें ये प्राप्त हुई, हमारे मिशन को मिल चुकी है। साथियों, हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रही। उसमें श्रद्धा भी थी, सामर्थ्य भी था, कौशल्य भी था और विविधताओं से भरा हुआ था। और हमारी हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नजर आता है। ये भारत की मूर्तिकला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी। लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रहीं। कभी इस देश में तो कभी उस देश में इन मूर्तियां बेची जाती रही, और उनके लिए तो सिर्फ कलाकृति थी, न उनको उसके इतिहास से लेना देना था, श्रद्धा से लेना देना था। इन मूर्तियों को वापस लाना भारत माँ के प्रति हमारा दायित्व है। इन मूर्तियों में भारत की आत्मा का, आस्था का अंश है। इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दायित्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रयास बढ़ाए, और इसका कारण यह भी हुआ कि चोरी करने की जो प्रवृत्ति थी उसमें भी एक भय पैदा हुआ। जिन देशों में ये मूर्तियां चोरी करके ले जाई गई थी, अब उन्हें भी लगने लगा कि भारत के साथ रिश्तों में सॉफ्ट पावर का जो डिप्लोमेटिक चैनल होता है उसमें इसका भी बहुत बड़ा महत्व हो सकता है, क्योंकि इसके साथ भारत की भावनाएं जुड़ी हुई है, भारत की श्रद्धा जुड़ी हुई है, और एक प्रकार से पीपल टू पीपल रिलेशन में भी ये बहुत ताकत पैदा करता है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा काशी से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा भी वापस लाई गई थी। ये भारत के प्रति बदल रहे वैश्विक नजरिए का ही उदाहरण है। साल 2013 तक करीब करीब 13 प्रतिमाएं भारत आई थी, लेकिन पिछले 7 साल में 200 से ज्यादा बहुमूल्य प्रतिमाओं को भारत सफलता के साथ वापस ला चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, सिंगापुर, ऐसे कितने ही देशों ने भारत की इस भावना को समझा है और मूर्तियां वापस लाने में हमारी मदद की है। मैं पिछले साल सितंबर में जब अमेरिका गया था तो वहां मुझे काफी पुरानी पुरानी कई सारी प्रतिमाएं और सांस्कृतिक महत्व की अनेक चीजें प्राप्त हुई। देश की जब कोई बहुमूल्य धरोहर वापस मिलती है तो स्वाभाविक है इतिहास में श्रद्धा रखने वाले, आर्कियोलॉजी में श्रद्धा रखने वाले, आस्था और संस्कृति के साथ जुड़े हुए लोग और एक हिंदुस्तानी के नाते हम सबको संतोष मिलना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, भारतीय संस्कृति और अपनी धरोहर की बात करते हुए मैं आज आपको मन की बात में दो लोगों से मिलवाना चाहता हूं। इन दिनों फेसबुक, ट्विटर
और इंस्टाग्राम पर तंजानिया की दो भाई बहन किली पॉल और उनकी बहन नीमा, ये बहुत चर्चा में है और मुझे पक्का भरोसा है आपने भी उनके बारे में जरूर सुना होगा। उनके अंदर भारतीय संगीत को लेकर एक जुनून है, एक दीवानगी है और इसी वजह से वे काफी लोकप्रिय भी हैं। लिप सिंक के उनके तरीके से पता चलता है कि इसके लिए वे कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गाते हुए उनका वीडियो खूब वायरल हुआ था। कुछ दिन पहले उन्होंने लता दीदी का एक गाना गाकर उनको भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी दी थी। मैं इस अद्भुत क्रिएटिविटी के लिए इन दोनों भाई बहन किली और नीमा उनकी बहुत सराहना करता हूं। कुछ दिन पहले तंजानिया में भारतीय दूतावास में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। भारतीय संगीत का जादू ही कुछ ऐसा है जो सबको मोह लेता है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले दुनिया के 150 से ज्यादा देशों के गायकों संगीतकारों ने अपने अपने देश में अपने अपने वेशभूषा में पूज्य बापू का प्रिय, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव भजन गाने का सफल प्रयोग किया था। आज जब भारत अपनी आजादी के 75वां वर्ष का महत्वपूर्ण पर्व मना रहा है तो देशभक्ति के गीतों को लेकर भी ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जहां विदेशी नागरिकों को, वहां के प्रसिद्ध गायकों को भारतीय देशभक्ति के गीत गाने के लिए आमंत्रित करें। इतना ही नहीं, अगर तंजानिया में किली और नीमा भारत के गीतों को इस प्रकार से लिपसिंग कर सकते हैं तो क्या मेरे देश में, हमारे देश की कई भाषाओं में कई प्रकार के गीत है, क्या हम कोई गुजराती बच्चे तमिल गीत पर करें, कोई केरल के बच्चे असमिया गीत पर करें, कोई कन्नड़ बच्चे जम्मू कश्मीर के गीतों पर करें? एक ऐसा माहौल बना सकते हैं हम जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत हम अनुभव कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हम आजादी के अमृत महोत्सव को एक नए तरीके से जरूर मना सकते हैं। मैं देश के नौजवानों से आह्वान करता हूं, आइए भारतीय भाषाओं के जो पॉपुलर गीत हैं उनको आप अपने तरीके से वीडियो बनाइए, बहुत पॉपुलर हो जाएंगे आप और देश की विविधताओं का नई पीढ़ी को परिचय होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले ही हमने मातृभाषा दिवस मनाया। जो विद्वान लोग हैं वो मातृभाषा शब्द कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे लेकर बहुत एकेडमिक इनपुट दे सकते हैं। मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। मां और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। मुझे बरसों पहले की एक बात याद है, जब मुझे अमेरिका जाना हुआ तो अलग अलग परिवारों में जाने का मौका मिलता था कि एक बार मेरा एक तेलुगु परिवार में जाना हुआ और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो, लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर बैठ के साथ में लेंगे और दूसरा, डिनर के टेबल पे
कंपलसरी हर कोई तेलुगु भाषा में ही बोलेगा। जो बच्चे वहां पैदा हुए थे उनके लिए भी ये नियम था। अपनी मातृभाषा के प्रति ये प्रेम देखकर इस परिवार से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। साथियों, आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद्व में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। और हमारा भारत तो भाषाओं के मामले में इतना समृद्ध है कि उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक, सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। सदियों से हमारी भाषाएं एक दूसरे से सीखते हुए खुद को परिष्कृत करते रही है, एक दूसरे का विकास कर रही है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल है और इस बात का हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि दुनिया की इतनी बड़ी विरासत हमारे पास है। उसी प्रकार से जितने पुराने धर्मशास्त्र हैं उसकी अभिव्यक्ति भी हमारी संस्कृत भाषा में है। भारत के लोग करीब 121, यानी हमें गर्व होगा, 121 प्रकार की मातृभाषाओं से जुड़े हुए हैं और इनमें 14 भाषाएं तो ऐसी हैं जो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। यानी जितनी कई यूरोपियन देशों की कुल जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा लोग हमारे यहां अलग अलग 14 भाषाओं से जुड़े हुए हैं। साल 2019 में हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 3रे क्रमांक पर थी। इस बात का भी हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं है, बल्कि भाषा समाज की संस्कृति और विरासत को भी सहेजने का काम करती है। अपनी भाषा की विरासत को सहेजने का ऐसा ही काम सुरीनाम में सुरजन परोही जी कर रहे हैं। इस महीने की 2 तारीख को वो 84 वर्ष के हुए हैं। उनके पूर्वज भी बरसों पहले हजारों श्रमिकों के साथ रोजी रोटी के लिए सुरीनाम गए थे। सुरजन परोही जी हिंदी में बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। वहां के राष्ट्रीय कवियों में उनका नाम लिया जाता है। यानी आज भी उनके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। उनके कार्यों में हिंदुस्तानी मिट्टी की महक है। सुरनाम के लोगों ने सुरजन परोही जी के नाम पर एक संग्रहालय भी बनाया है। मेरे लिए ये बहुत सुखद है कि साल 2015 में मुझे उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला था। साथियों, आज के दिन यानी 27 फरवरी को मराठी भाषा गौरव दिवस भी है। सर्व मराठी बंधु भगिनीना मराठी भाषा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। ये दिन मराठी कविराज विष्णु वामन शिरवाड़कर जी श्रीमान कुसुमाग्रजी जी को समर्पित है। आज ही कुसुमाग्रज जी की जन्म जयंती भी है। कुसुमाग्रज जी ने मराठी में कविताएं लिखी, अनेकों नाटक लिखे।
मराठी साहित्य को नई ऊंचाई दी। साथियों, हमारे यहां भाषा की अपनी खूबियां हैं, मातृभाषा का अपना विज्ञान है। इस विज्ञान को समझते हुए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया गया है। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी स्थानीय भाषा में पढ़ाए जाए, इसका प्रयास हो रहा है। आजादी के अमृतकाल में इस प्रयासों को हम सबने मिलकर के बहुत गति देनी चाहिए, ये स्वाभिमान का काम है। मैं चाहूंगा आप जो भी मातृभाषा बोलते हैं उसकी खूबियों के बारे में अवश्य जाने और कुछ न कुछ लिखें। साथियों, कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। ये मुलाकात दिलचस्प तो थी ही, लेकिन बहुत भावुक थी। हम बहुत अच्छे मित्र रहे तो खुलकर के काफी बातें भी कर लेते हैं। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो ओडिंगा जी ने अपनी बिटिया के बारे में बताया। उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी, लेकिन उसका एक दुष्परिणाम यह हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी करीब करीब चली गई, दिखाई देना ही बंद हो गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी का क्या हाल हुआ होगा, और एक पिता की स्थिति का भी हम अंदाज लगा सकते हैं, उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। उन्होंने दुनिया भर के अस्पतालों में, कोई भी दुनिया का बड़ा देश ऐसा नहीं होगा कि जहां उन्होंने बेटी के इलाज के लिए भरपूर कोशिश न की हो। दुनिया के बड़े बड़े देश छान मारे हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली और एक प्रकार से सारी आशाएं छोड़ दी। पूरे घर में एक निराशा का वातावरण बन गया। इतने में किसी ने उनको भारत में आयुर्वेद के इलाज के लिए आने के लिए सुझाव दिया। अब वो बहुत कुछ कर चुके थे, थक भी चुके थे, फिर भी उनको लगा कि चलो भाई एक बार ट्राई करें क्या होता है। वे भारत आए, केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। काफी समय बेटी यहां रही। आयुर्वेद के इस इलाज का असर यह हुआ कि रोजमेरी की आंखों की रोशनी काफी हद तक वापस लौट आई। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया, और रोशनी तो रोजमेरी के जीवन में आई, लेकिन पूरे परिवार में एक नई रोशनी, नई जिंदगी आ गई। और ओडिंगा जी इतने भावुक होकर के बात मुझे बता रहे थे कि उनकी इच्छा है कि भारत के जो आयुर्वेद का ज्ञान है, विज्ञान है, वो केन्या में ले जाएं। जिस प्रकार के प्लांट्स इसमें काम आते हैं, उन प्लांट की खेती करेंगे और इसका लाभ अधिक लोगों को मिले, इसके लिए वो पूरा प्रयास करेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी धरती और परंपरा से किसी के जीवन से इतना बड़ा कष्ट दूर हुआ, और ये सुनकर के आपको भी खुशी होगी। कौन भारतवासी होगा जिसको इसका गर्व न हो। हम सभी जानते हैं कि ओडिंगा जी ही नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोग आयुर्वेद से ऐसे ही लाभ उठा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक है। जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है, वो आयुर्वेद का जिक्र जरूर करते हैं। उन्हें भारत के कई आयुर्वेदिक संस्थाओं की जानकारी भी है। साथियों, पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है
कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। इसी महीने की शुरुआत में आयुष स्टार्टअप चैलेंज शुरू हुआ था। इस चैलेंज का लक्ष्य इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करके उन्हें सपोर्ट करना है। इस क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे इस चैलेंज में जरूर हिस्सा लें। साथियों, एक बार जब लोग मिलकर के कुछ करने की ठान लें तो वो अद्भुत चीजें कर जाते हैं। समाज में कई ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिनमें जन भागीदारी, सामूहिक प्रयास इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। मिशन जल थल नाम का ऐसा ही एक जन आंदोलन कश्मीर के श्रीनगर में चल रहा है। यह श्रीनगर की झीलों और तालाबों की साफ सफाई और उनकी पुरानी रौनक लौटाने का एक अनोखा प्रयास है। मिशन जल थल का फोकस कुशल सार और गिल सार पर है। जन भागीदारी के साथ साथ इसमें टेक्नोलॉजी की भी बहुत मदद ली जा रही है। कहाँ कहाँ अतिक्रमण हुआ है, कहाँ अवैध निर्माण हुआ है, इसका पता लगाने के लिए इस क्षेत्र का बाकायदा सर्वे कराया गया। इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट को हटाने और कचरे की सफाई का अभियान भी चलाया गया। मिशन के दूसरे चरण में पुराने वाटर चैनल्स और झील को भरने वाले 19 झरनों को रिस्टोर करने का भी भरपूर प्रयास किया गया। इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैले, इसके लिए स्थानीय लोगों और युवाओं को वाटर एम्बेसडर्स भी बनाया गया। अब यहाँ के स्थानीय लोग गिल सार लेक में प्रवासी पक्षियों और मछलियों की संख्या बढ़ती रहे इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उसको देखकर खुश भी होते हैं। मैं इस शानदार प्रयास के लिए श्रीनगर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, 8 साल पहले देश ने जो स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया, समय के साथ उसका विस्तार भी बढ़ता गया, नए नए इनोवेशन भी जुड़ते गए। भारत में आप कहीं पर भी जाएंगे तो पाएंगे कि हर तरफ स्वच्छता के लिए कोई न कोई प्रयास जरूर हो रहा है। असम के कोकराझार में ऐसे ही एक प्रयास के बारे में मुझे पता चला है। यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स के एक समूह ने स्वच्छ और हरित कोकराझार मिशन के तहत बहुत प्रशंसनीय पहल की है। इन सब ने नए फ्लाईओवर क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई कर स्वच्छता का प्रेरक संदेश दिया। इसी प्रकार विशाखापट्टनम में स्वच्छ भारत अभियान के तहत पॉलिथीन के बजाय कपड़े के थैलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ के लोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सिंगल ने कल्याण रेलवे स्टेशन की दीवारों को सुंदर पेंटिंग से सजाया है। राजस्थान के